हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फॉरेस्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये मेरा बत्तख है। एक्चुअली 300 बत्तख लाए थे, अभी मेरे पास इतना बचा हुआ है। और इसको अब प्रॉपर 6 से 7 घंटे के लिए पानी में छोड़ते हैं। ये ऑटोमेटिक मतलब अपने से जाता है, आता है, बैठता है, जो भी है। और अब इसका थोड़ा सा रौनक बढ़ा है और देखने में भी अच्छा है और साइज़ भी ठीक ठाक ही है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे। ये इसका अभी मॉर्निंग टाइम है, एक बार नहा वहा के आराम से खाना वाना खा के अभी पंख का सफाई वगैरह सब कर रहा है। और कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है और कुछ इस ओर है, अंदर है। और ये बत्तख का जो है हम जगह शिफ्ट कर दिए हैं, और जिसमें पहले बत्तख रहता था उसमें मुर्गी का देसी चूजा गिराए। एक्चुअली वो प्योर देसी नहीं है, कॉयलर है और सोनाली मिक्स है। जब बड़ा हो जाएगा और जब अंडा देना शुरू करेगा तब उसको अलग अलग छाँटेंगे, अभी तो बच्चा है इसलिए एक में ही रख दिए हैं। और इस वाले पोर्शन में यहाँ पे जहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक और शेड बनवाने वाले थे, पर कुछ लोग हम लोग के इधर गांव में बोलते हैं ना, खरमास वगैरह सब में नहीं बनाया जाता है नया कोई कुछ भी, तो इस वजह से अभी उसको रोक के रखे हैं। एक्चुअली वो 14 जनवरी तक चलेगा, तो 14 जनवरी के बाद यहाँ एक और शेड, यहाँ से इस वाले यहाँ से वो लास्ट जो पिलर दिख रहा है वहाँ तक बनेगा, जो कि 45 फीट है। एक्चुअली 15-15 फीट का गैप है, तो 15 ये, 15 वो, 15 वो, 45 फीट का लंबाई रहेगा। और करीब करीब 15 से 18 फीट के बीच में चौड़ाई रहेगा। और इतना लंबा बनवाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर ही हमको बटेर भी डालना है, बटेर का भी शुरू करने वाले हैं। और जो मेरा बत्तख होगा ये भी 1-1.5 महीने के अंदर अंडा देना शुरू कर देगा। 4 महीने के बाद मतलब देना शुरू कर देता है ना, 4-4.5 महीने में, तो उससे पहले इसका देसी और बतख का मतलब मिक्स ना हो। इसमें इंडियन रनर का ये सब बतख है, तो उसका जो अंडा हो वो मिक्स ना हो, क्योंकि अब कोई लोग इंडियन रनर बोल के अगर ख़रीदेगा बच्चा तो उसको प्रॉपर इंडियन रनर ही मिलना चाहिए ना, उसके साथ क्यों मिक्स करने का। तो इस वजह से इसका एक अलग पार्टीशन इसमें बना देंगे। और उसके बाद अभी बत्तख के लिए वो वाला जो सामने में खेत दिख रहा है ये, और वो ये भी भाड़े पे लिए हैं, उसमें अभी घास रोपे हैं, बरसीन है और थोड़ा सा पालक है। पालक सब खाता बहुत अच्छे से है इसलिए वो भी रोप दिए हैं, और बरसीन रोपा हुआ है इसमें और वो वाले दोनों पार्ट में, वो जो कुआं दिख रहा है कुआं के सीधा सीधे में। और अभी एक और ये वाला भी भाड़े पे लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि चौड़ा स्पेस हो जाएगा ना, तो इसको दिन भर रहने में क्योंकि मुर्गी भी मेरे पास 300-350 से प्लस है, तो तत्काल में हम अंडा के वजह से रखे हैं, अंडा और हैचरी डालने के पर्पज़ से, तो इस वजह से कम डाले हैं। नहीं तो फिर 1000-2000 बच्चा अगर नहीं रखोगे तो फिर आपको कुछ बेनिफिट बुझाएगा नहीं, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगने वाला है बढ़ने में। और 100-200-500 अगर 400 रखोगे तो उसमें आपको उतना ही उसी हिसाब से तो प्रॉफिट होगा। मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, हम इसको हैचरी पर्पज़ से, अंडे के पर्पज़ से रखे हैं। और जितना जगह, जितना बोलते हैं ना, जितना चादर उतना पैर पसारो, तो इस वजह से कम रखे हैं। हमको मिनिमम 100-150 अंडा भी पर डे का मिल जाए बत्तख से, 100-150 अंडा, 200 अंडा मुर्गी से, तो मेरे लिए अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक
रहेगा, चलेगा, क्योंकि उसके बाद फिर हैचरी बनाना, उस बच्चे को सेल करना, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा परेशानी होगा। और जो बच्चा सेल नहीं हो तो फिर उसको अपने पास रखना, बड़ा करना, बहुत तरह का बात होता है। तो अभी तक तो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है और मेहनत जो कर रहे हैं बस उसी हिसाब से, आगे देखते हैं क्या होता है। बट अभी इसमें ये बत्तख को अंडा देने में कम से कम और 2 महीना तो मिनिमम जाएगा, और उस सोनाली में लगभग 3 महीना कम से कम और जाएगा। तो पहले बत्तख का शुरू हो जाएगा, उसके बाद सोनाली का और क्वाइलर का चालू होगा। और कुछ यहाँ पे मेरा देसी बत्तख भी है, और ये तालाब में पंगास बोलते हैं ना, सीलन, वो वाला मछली इसमें डाले हैं। ठंड के वजह से, ठंड का जो मौसम है इस वजह से अभी मछली ऊपर नहीं आता है, कभी कभी आता है, लेकिन अभी तक तो मरा हुआ एक भी नहीं दिखा है। तो मेरे ख्याल से मछली ठीक है, और अभी इसीलिए इसमें बत्तख छोटा है तो छोड़ दिए हैं। एक्चुअली अब बत्तख के खाने से बड़ा हो गया है मछली, मतलब वो खाने में उसको इतना भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। पहले इसमें नहीं डालते थे क्योंकि बच्चा छोटा था मछली का, तो डर रहता था कि कहीं खा ना ले, बट अब सब ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।